नवासी की देसी रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे गणेश जी का प्रिय भोग मूंगफली की मोदक। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। नवासी की देसी रेसिपी को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं। जो भी रेसिपी बनाऊंगी आप तक तुरंत पहुँच जाएंगी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। ये हमने आधा कप मूंगफली के दाने लिए हैं। मैंने मूंगफली को हल्के आंच पर भून करके 5 मिनट तक मैंने इसे धीमी आंच पर भून लिया था। फिर मैंने इसका छिलका निकाल दिया है। देखिए ये बिना छिलके वाली मूंगफली हमारे पास है। और इसके अंदर डालने के लिए हमने काजू, बादाम, पिस्ता, खसखस के दाने, 4 से 5 इलायची को मैंने छील कर रखा है। 2 बड़े चम्मच घी हमने लिया है। 2 चम्मच हमने गरी का पूरा लिया है। जो नारियल हमारे घर में सूखा रहता है उसे ऊपर का छिलका काला वाला निकाल कर और इसे कद्दूकस करके मैंने रख लिया है। 100 ग्राम हमने गुड़ लिया है। आप चाहे तो इसे चीनी में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। मैंने गैस पर पैन रख दिया है। गैस मैंने ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट और खसखस के दाने को हम डाल देंगे और मीडियम आंच पर इसे 1 मिनट तक हम रोस्ट करेंगे। हमारा रोस्ट हो चुका है। बस हल्का सा ही हमें करना है। इसे इसके अंदर जो नमी है, जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए बस। अब इसके अंदर ये मूंगफली के दाने भी डाल देंगे। इसे मैंने पहले से रोस्ट करके रखा है। बस हल्का सा इसके साथ इसे भी हम भून लेंगे बस 10 सेकंड के लिए। ड्राई फ्रूट्स और मूंगफली के दाने हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। फिर इसे हम हल्का दरदरा पीस कर तैयार कर लेंगे। देखिए मूंगफली के दाने और ड्राई फ्रूट्स मैंने इसलिए हैं, ये हल्का सा मोटा है, बहुत ज्यादा पतला में नहीं करना है। अब हम वापस पैन को गैस पे रखेंगे और इसके अंदर घी डाल देंगे। घी हमारा गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर ये हम गुड़ डाल देंगे। गुड़ की जगह आप चाहे तो इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं। इसे मेल्ट होने देंगे। गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स और मूंगफली के दाने जो मैंने पीस कर रखे इसे डाल देंगे और इसके साथ ही नारियल का भूरा भी डाल देंगे। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। जल्दी से ठंडा हो जाए इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। देखिए हल्का सा गर्म है। इसे हम बनाना शुरू करेंगे। इसे बनाने के लिए मैंने मोदक मोड़ लिया है। ये आपको आसानी से बर्तन की दुकान पर या फिर मॉल में मिल जाएगा। अगर आप इससे बनाना चाहें तो इससे बनाइए, नहीं तो आप अगर आप आपके पास अगर ये नहीं है तो इसे हाथ से भी बना सकते हैं। कि इस तरीके से थोड़ा सा एक नींबू को साइज में बैटर को उठाएंगे इस तरीके से हथेली पर रखकर और इसे हम दबाएंगे। नीचे के साइड हमें चौड़ा रखना है और ऊपर इस तरीके से पतला कर देंगे। देखिए इस तरीके से भी हम मोदक बनाकर रख सकते हैं। और मोल्ड में बनाने के लिए वो हल्का सा घी लगाना है इसके अंदर, जिससे मोदक हमारा आसानी से निकल सके और इसका शेप भी अच्छा आ जाए। मैंने अच्छी तरीके से इसके अंदर घी लगा लिया है। हम इसके अंदर इस बैटर को भरेंगे, इस तरीके से हाथ में लेंगे, जितना इसमें आसानी से आ जाए ऊपर तक हमें भर देना है, जिससे इसका शेप बहुत अच्छा है। इसे हम बंद कर देंगे, इधर से भी दबाते हुए इसको भरेंगे इस तरीके से। जो किनारों से एक्स्ट्रा यहाँ निकला हुआ है इसे हम निकाल लेंगे। इसे हम खोल कर देखेंगे। ये देखिए ये हमारा मोदक बनकर तैयार हो गया है। कितना सुंदर बना है। इसी तरीके से हम सारे मोदक को बनाकर रख लेंगे। और हमारे मूंगफली के दाने के
मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बने हैं। आप इसे श्री गणेश जी को भोग लगाइए और प्रसाद खाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने कमेंट में जरूर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। फिर एक नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।